अरे ईख में उपजत सर्पता जमे रस क्यों ना समा। संगति का फल होता है उपजे सरकंडे ईख में और नेकन लाग्यो रंग। अरे तुलसी ऐसे सठन को और क्या तू जे सत्संग। सत्संग एक के खेत में यदि सरकंडा हो जाए तो उसमें रस आ जाता है क्या? नहीं। देखो मई और जून के महीने में ज्यादातर आपको मालूम है आम चलते हैं। कौन सा फल चलता है? आम। और उस आम को ला करके देखा है आपने, उसको चूसते हैं फिर हटा देते हैं, फिर चूसते हैं फिर हटा देते हैं। वो तो जैसे जैसे खत्म होने की तरफ आता है उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। वो तो बस की ना है, नहीं तो गुठली है उठने। जय श्री राम। लेकिन उस आम को वही चूस सकता है दादाजी? कौन? जिसके मुंह में दांत हैं। अगर पिताजी के मुंह में दांत नहीं तो पिताजी आमे चूसेंगे और रसों का पड़ोसी के मुंह में जाएंगे। राम का नाम तो वो भी ले सकते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, लेकिन दादाजी कृष्ण का नाम तो बड़ा टेढ़ा है। बिना दांत वाला अगर कृष्ण कहेगा तो थोड़ा टेढ़ापन लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल टेढ़ी, मेरे कन्हैया की चाल टेढ़ी, जिसकी आंखें टेढ़ी, जिसकी नजर टेढ़ी, जिसकी चाल टेढ़ी, इसकी भक्ति तो टेढ़ी है। इसका आनंद घटता नहीं है, इसका आनंद तो बढ़ता है। बैंक में आप खाता खोलते हो, आज 10 रुपए डाले, कल 20 डाले, परसों 30 डाले, फिर 50 डाले, तो वो पैसा बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। ऐसे ही अगर मेरे कन्हैया का स्मरण करोगे रोजाना, आज एक माला का जाप कर लिया, कल दूसरी का, दो माला का जाप कर लिया, फिर 5 माला का जाप कर लिया, तो आप घटोगे नहीं, हमेशा बढ़ोगे। हमेशा भगवान का ये बचत बैंक रूपी खाता है, इसलिए सभी को भगवान को स्मरण करना चाहिए, सभी को याद करना चाहिए भगवान को। भगवान तो ये कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलतहु और नाम जपत मंगल दिस बसहु। अरे जिन्होंने ये कह दिया बोल बहुत तुल्ली कथा बंद करो भैया, उन्होंने तो कथा के मर्म को ही नहीं जाना। ये कान क्यों बनाए? अच्छा श्रवण करने के लिए। ये आंखें क्यों बनाई हैं? अच्छा दृश्य देखने के लिए। ये हाथ क्यों बनाए हैं? अच्छा इन हाथों से बढ़िया दान करिए, शुभ कर्म करिए। ये पैर बनाए हैं, इनसे शुभ रास्ते पे चलिए, मंदिर में जाइए। लेकिन इस कथा को तो दादाजी वही सुनते हैं जिनको ना मुक्ति चाहिए ना प्लॉट चाहिए। रामचरित सुनवे को रचिया, वो भी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। जो भगवान की कथा के श्रवण से उठ जाए वो कान नहीं है, तुलसी बाबा लिख रहे हैं। हो चिन्हारी कथा सुनी नहीं काना, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जिन्होंने मेरे भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन कानों में होके कथा नहीं सुनी, वो कान नहीं श्रवण रंग अरे भवन समाना।
वो सांप के बिल की तरह है। देखिए, अगर आपके घर में सांप निकल आए, सांप घुस जाए तो हम घर में घुस सकते हैं क्या? नहीं नहीं, हम बाहर जा रहे हैं। पापा कहेंगे बेटा रुको रुको मैं भगा तो, नहीं नहीं नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सांप से, सांप के आगे कोई घुस नहीं सकता। लेकिन सांप तो बिल में सीधा जाएगा। लेकिन आज का भक्त जिसने कथा को नहीं सुना, अरे ये कान नहीं है, वो तो सांप के बिल के समान है। ये सांप की संज्ञा क्यों दी है तुलसीदास जी ने? सांप की संज्ञा ऐसे दी है कि सांप के बिल के पास कोई जा नहीं सकता। ऐसे ही इन कानों ने कथा नहीं सुनी, इन कानों में फिर कुछ और भी जाएगा नहीं। जैसे कांच को गरम करके डाल देते हैं ना, बिल्कुल प्लास्टर हो जाता है कांच को। ये चूड़ी जो बनाते हैं तो कांच को गरम करते हैं तो एक तरह से लिक्विड बन जाता है, एक प्लास्टर टाइप बन जाता है। राम चरित ये सुनत गाई और रस विशेष जाना तिन नाई। अरे राम के नाम को स्मरण करना तो कोई चाहता है? हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, बच्चों को तो बस इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाएगा। क्यों? कि आज के समय को देखते हुए एप्पल वाले सेब होती है, लेकिन जब जेड पे पहुंच जाता है तो जेबरा पशु एप्पल से शुरू होगा और जेड पे पशु पे पहुंच जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म हमारे हिंदी संस्कृति भाषा में तो आम से शुरू होगा और ज्ञानी पे जाके पहुंच जाएगा। दादाजी, जवाल काट ली अंग्रेजी खंजर ने, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा? और आज की पीढ़ी को तो फोन से ही फुर्सत नहीं, घर में गीता रामायण कौन खोलेगा? आपने देखा होगा, मम्मी कहेगी बेटा टिंकू खाना खा ले, मम्मी रुक जाओ बस थोड़ा सा, एक मिनट एक 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 एपिसोड और देखना है, फोन से ही फुर्सत नहीं है। मैयाओ जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आए आए माने सांप, उन्होंने परमात्मा की कथा को समझाया। कल एक मैया आई मेरे पास भागवत जी के बाद में, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। मैंने कैसे मैया? बोल मैंने जब तेरे बेटा को ब्याह करो ना तो मेरे घर में शनिचर आ गए हो। हमने कही मैया बेटा के ब्याह करें से शनिचर को का मतलब? बोलना महाराज जी मैं पहले तो बहुत बढ़िया रहती, लेकिन बेटा को ब्याह जा दिन से करवाए बादना से तो मेरे घर में शनिचर आ गए। हमने कही मैया शनिचर तो आवे गो, तो ये जो बुलेट मोटरसाइकिल मिली है ना, वहां में लोहे मिलवाए, फ्रिज मिलवाए, वहां में लोहे मिलवाए, शनिचर तो आवे वो। मैया बोली तो महाराज जी अब यहां को उपाय बताओ मैं कहा करूं? बोल मैया लोहे को दान कर दे। महाराज जी कितना दान कर दो? बोल मैया देख तो पे जो बने दान कर दे। नहीं महाराज जी ऐसा करूं, एक कुंटल को और फाटक या मोनी बाबा के मंदिर पे लगवा दूं। हमने कही मैया और कम कर। तो महाराज जी ऐसा करूं कि 50 किलो को एक घंटा बाबा के मंदिर पर चढ़वा दूं। मैंने कही मैया घंटा तो पीतल को आवे वो दान तो लोहे को करे। तो महाराज जी ऐसा है एक खिड़की चढ़वा दूं,
बाबा के मंदिर पे 50 किलो की। मैंने कहा मैया और कम करे, बोले महाराज जी ऐसा करूं एक त्रिशूल बनवा दूं। बोले बाबा को 20 किलो को। मैंने कही मैया और कम कर। बोल मैया, बोले महाराज जी ऐसा है और कितना कम करूं, तो 5 किलो को एक कड़ो बनवा लाऊं। मैंने कही नहीं मैया और कम कर। तो मैया बोली तो महाराज जी या मंदिर को 1 किलो को तारो ले आऊं। अब तो बिंदी हट गई है। मैंने कही मैया और कम करे। अरे महाराज जी अब तो बिंदी हट गई और कितने कम करूं। मैंने कही मैया सुने, ये तेरे लहंगा में जो 10 ग्राम की चाबी टंग रही है ना घर की मालिकी की, या तू बहू के हाथ में दे दे, शनिचर अपने आप चलो जाओ। बोलिए वरुण गोविंद भगवान की जय हो। माटी में मिल जाएगो तो बढ़तन अनमोला, माटी में मिल जाएगो तो बढ़तन अनमोला, माटी में मिल जाएगो तो बढ़तन अनमोला, माटी में मिल जाएगो तो बढ़तन
भजन, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाएगो सुवर्ण तन अनमोल, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाए। देखिए जय जय श्री राधे जैसे बोलते हैं ना मैयाओं, तो सब कामों को छोड़ के जय जय श्री राधे जरूर बोलना चाहिए। और देखो मैयाओं, यह चाबी के चक्कर है छोड़ दो, वही दिन आते शनिचर चला जाएगा। ये चाबी की वजह से ही ग्रह कलेश है रहो घर में। देखो हमारे बुजुर्ग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, ये भजन मैंने क्यों गाया मैया कि तुम्हारी बतरामा नहरी है, फ्री में राजी खुशी ले रही है, पल्ले थोपी मैया उल्ले थोपी मैया के है? देखो कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करो है? बतरा रही है अरे जी जी आज तो भैंस ने दूध नहा दिया, ये तो सब घर की बात है मैया, बस कथा की ओर ध्यान रखो। रामचरित सुनत गाई और रस विशेष जाना तिन नाई। अरे प्रथु महाराज ने क्या मांगा था, ये देखो कथा पांचवें दिन आएगी। उन्होंने यही मांगा था कि मुझे 10,000 कान दे दो, जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समाना। तो मैया आइए हम चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, यहां संतों की मंडली बैठी हुई है। और आदरणीय सूत जी पधारे और सूत जी महाराज से संतों ने ऐसे प्रश्न पूछ लिए जो हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, पूरे 6 प्रश्न पूछे हैं संतों ने सूत जी महाराज से। और देखो मैया पहला प्रश्न कौन सा पूछा है, पहला प्रश्न 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पहला प्रश्न पूछा है कि मानव का परम धर्म क्या है। मानव का परम धर्म क्या है? क्या भजन करना हमारा धर्म है? क्या कथा श्रवण करना हमारा धर्म है? क्या करोड़ों की संपत्ति कमाना हमारा धर्म है? मानव का, माता का, भाई का, बहन का, बुजुर्ग का, आखिर परम धर्म क्या है ये हमें बताओ, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ये पहला प्रश्न पूछा है सूत जी से। और दूसरा प्रश्न है कि हम मंदिर में जाएं, विद्वान ध्यान देना, मंदिर में पूजा करने जाएं तो सबसे बड़े देवता कौन है? कोई तो ये कहता है कि मेरे हनुमान बाबा बड़े, कोई कहता है कि मेरी गंगा मैया बड़ी है, कोई कहता है मेरी दुर्गा मैया बड़ी है, कोई कहता है मेरे भोले बाबा बड़े हैं। वैसे सत्संगी ध्यान दें, एक मंदिर गर्भगृह के अंदर एक मूर्ति से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। क्यों? घर में जो मंदिर है उसमें जो गर्भगृह के अंदर एक मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि आदमी भ्रमित हो जाता है कैसे, एक मैया लोटा में जल ले लियो और एक खोका में चनौरी ले ली और मंदिर में चली गई और हनुमान बाबा पर थोड़ो तो जल चढ़ा दियो और 4 चनौरी चढ़ाए दी, ले बाबा पाए लियो, मैया आगे बढ़ी
आगे बड़ी दुर्गा मैया मिली, थोड़ा सा जल लोटा में ते दुर्गा मैया पे चढ़ा दियो, चार चनौरी उचिता दे ले मैया पाई लियो। आगे बड़ी मैया बोले बाबा के पास आ गई, और खोका में ते चनौरी खत्म है गई और लोटा में ते जलू बीते हो। अब मैया बड़ी अचंभे में पड़ गई, हे भगवान भोले बाबा को तो जलु ही ना है बचो, अब तो बोते भोले बाबा ऐसा नहीं हो कि नाराज है जाए।